Hi guys and welcome back to my channel. I hope you all are doing good. So we are going to a college trip और हम कहाँ जाने वाले हैं वो आपको आगे आने वाले ब्लॉग्स में पता चल ही जाएगा. एंड मेक श्योर टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. मैं डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक दे दूंगी बिकॉज आई एम गोइंग टू बी सुपर एक्टिव ओवर देयर. और आई थिंक जिस दिन मैं ये वीडियो डालूंगी ना उसी दिन मैं ट्रिप के लिए निकल भी जाऊंगी. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट दी वीडियो. है ना, हमेशा क्या कहते हैं, थोड़ी इट्सी बिट्सी चीज़ें ट्रैवल करने टाइम भूल जाते हैं या कहीं भी जा रहे होते हैं तो भूल जाते हैं. सो वट वी कैन डू इज, टिप नंबर वन, ऑलवेज प्रिपेयर अ लिस्ट. फॉर सपोज मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है ना, जो भी चीज़ें मुझे लेके जानी है मैंने पूरी यहाँ पे लिस्ट जो है वो प्रिपेयर कर रखी है. तो आप भी ये कर सकते हैं सो दैट आप कोई चीज़ ना भूलें. और मैं तो यही प्रिफर करती हूँ कि मैं जो मेरी लिस्ट है ना वो थोड़ा सा एक दो दिन पहले बना लेती हूँ ताकि जो भी ये चीज़ें मुझे बीच बीच में याद आ रही हैं तो मैं उन सारी चीज़ों को अपनी इस लिस्ट में डाल सकूँ. ओके, सो टिप नंबर टू, ऑलवेज कैरी ट्रैवल साइज बॉटल्स. हम हमेशा क्या करते हैं ना, हमारा लगेज जो है वो हमारे शैम्पू की बॉटल्स, क्रीम की जो बॉटल्स होती हैं बड़ी बड़ी, उससे भर जाती है. नहीं, हम क्या कर सकते हैं, ऐसी छोटी छोटी बॉटल्स यूज़ कर सकते हैं ताकि हमारा जो स्पेस है वो भी बचे. और ज़रूरी नहीं है कि आप ये इतनी ये जो बॉटल्स हैं ना वो ख़रीदें. फॉर सपोज़ आप कोई भी क्रीम वगैरह यूज़ करते हैं उनकी आजकल सबकी ऐसी छोटी बॉटल्स आ जाती हैं. और फॉर सपोज़ आप शैम्पू के जो पाउचेस होते हैं वो भी आप यूज़ कर सकते हैं सो दैट आपको ऐसे ख़रीदना ना पड़े. ठीक है, नेक्स्ट टिप नंबर थ्री इज़ दिस कि ऑलवेज पुट योर स्किन केयर प्रोडक्ट्स टुगेदर. हमेशा अपने स्किन केयर प्रोडक्ट्स को आप एक साथ रखिए. फॉर सपोज मैंने क्या कर रखा है, सेम वही कि अपना जो सनस्क्रीन है या मॉइस्चराइजर है या मेरा टोनर है वो मैंने सारा एक साथ रखा हुआ है ताकि मुझे यू नो अलग अलग ऐसे ढूंढना ना पड़े कि अरे मेरा सनस्क्रीन क्या है या मॉइस्चराइजर क्या है. और सनस्क्रीन तो मस्ट है. जैसे मैंने अपना, वैसे मैं मेकअप ज़्यादा यूज़ तो नहीं करती बट जो भी छोटा मोटा है यू नो लाइनर वगैरह हो गया या फिर मस्कारा हो गया या लिपस्टिक वगैरह हो गई, ये सारी भी मैंने एक पाउच में रखी है सो दैट मुझे यू नो टाइम टाइम पर ऐसे फाइंड आउट ना करना पड़े अलग अलग जगह से कि मेरी चीज़ें कहाँ पर है. सो टिप नंबर फोर इज दिस कि ऑलवेज पुट योर इलेक्ट्रॉनिक थिंग्स टुगेदर. फॉर सपोज मैंने क्या करा है ना, आपने जो भी मेरा स्पीकर हो गया या फिर मेरा चार्जर हो गया या मेरे एयरपॉड्स हो गए, ये मैंने सारा एक पाउच में रखा है सो दैट मुझे यू नो टाइम टाइम पे ऐसे वही सेम चीज़ है कि अलग अलग जगह पे ढूंढना ना पड़े. आपको सारी चीज़ें एक साथ रखोगे तो आपको टाइम पे मिल जाए. सो टिप नंबर फाइव, ऑलवेज कैरी थिंग्स विच आर यूजफुल फॉर योर हाइजीन. तो मुझे ना ट्रैवल करना तो पसंद है बट मेन प्रॉब्लम आती है वॉशरूम्स यूज़ करने में बिकॉज दे आर वेरी अनहाइजीनिक. और आई थिंक ये सबके साथ ही होता होगा. तो आप क्या कर सकते हैं ना, आजकल तो पीसेप वगैरह आते हैं या फिर टॉयलेट शीट्स वगैरह आती हैं, आप उसको यूज़ कर सकते हैं. और अपने हाइजीन का पूरा ख्याल रखिए. आप यू नो वाइप्स ले जा सकते हैं, वेट वाइप्स आती हैं और सैनिटाइज़र मास्क, ये तो आप अभी भी मैं यही प्रिफर करूँगी और आपको भी यही मैं एडवाइस दूँगी कि आप हमेशा आप क्या करिए, सैनिटाइज़र हो गया या फिर मास्क वगैरह है ये आप ज़रूर कैरी करिए. सो मूविंग ऑन टू टिप नंबर सिक्स, आप ऑलवेज कैरी मेडिसिन विद यू. यू नो बहुत बार ऐसा होता है कि आप लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं तो आपको डिहाइड्रेशन की वजह से लूज मोशन हो जाते हैं या मे बी आपका हेडेक होने लगता है या किसी किसी को फीवर भी आ जाता है. तो आप क्या कर सकते हैं, हमेशा जो है ना थोड़ी बहुत, मैं ये नहीं बोलूँगी कि पूरी दुकान लेके चलिए बट आप थोड़ी बहुत मेडिसिन अपने साथ कैरी कर सकते हैं क्योंकि यू नेवर नो, आप यू नो रात को ऐसे दुकानें तो ढूंढते नहीं रहेंगे कि कहाँ सर दर्द की दवाई कहाँ मिलेगी या ऐसे करके. और जरूर मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप अपने लिए ले जाइए, क्या पता आपके जो फ्रेंड्स हैं आपके साथ या कोई भी है उनको उसकी यूज़ पड़ सके. सो मूविंग ऑन टू टिप नंबर सेवन, ऑलवेज प्रिपेयर योर आउटफिट इन एडवांस. तो मैं हमेशा ये प्रिफर करती हूँ कि मेरे जो भी आउटफिट्स हैं मैं पहले ही उनको प्रिपेयर कर लूँ. फॉर सपोज मुझे जैसे जाना है आज तो मैं क्या पहनूँगी, फॉर सपोज मुझे टॉप ये पहनना है और नीचे बॉटम में ये पहनना है. और मैं तो प्रिफर ये करती हूँ कि मैं शूज़ वगैरह या स्लिपर्स जो भी उसके साथ मैं कैरी करने वाली हूँ मैं उसको भी पहले से ही एडवांस में प्रिपेयर कर लेती हूँ कि हाँ मुझे ये करना है. तो इससे क्या होता है ना, स्पेस भी बचती है. और क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, जाना होता है दो दिन के लिए और सामान इतना सारा भर देते हैं, ऐसा नहीं करना है. आप हमेशा अगर पहले से अपने आउटफिट प्रिपेयर करके जाएंगे तो इससे क्या होगा, आप ज़्यादा चीज़ें वहाँ लेके नहीं जाएंगे एक्स्ट्रा. आप हमेशा प्लान बना के रखिए कि अच्छा मुझे कल ऐसे वहाँ घूमना है तो उस टाइम पे मैं ये आउटफिट पहनूंगी, या शाम को अच्छा हमें यहाँ जाना है तो मैं उस टाइम पे ये आउटफिट पहनूंगी.
सो ये रहे मेरे 7 टिप्स. आई होप कि आप लोग को ये टिप पसंद आए होंगे और आप लोग भी आगे इन टिप्स को यूज करेंगे. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक कॉमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. टिल देन टेक केयर. बाय बाय.